अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा लेने से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अबलाल शेख और आप देख रहे हैं बजेज इन्फो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ शाहरुख का सेटअप जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है इनका। इन्होंने कुछ कॉलोनीज लगाई हुई हैं बजेज की और लवबर्ड्स वगैरह की, और लवबर्ड्स की भी काफ़ी वैरायटी है इनके पास और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, क्योंकि इनका अपना चैनल है लवबर्ड्स ब्रीडिंग के नाम से। इस चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाएँ और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ही ग्रोइंग चैनल है इनका। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि आज मेरी बर्थडे है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बर्थडे बॉय को ज़रूर विश करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करूंगा और आप सब लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। तो चलें चलते हैं सेटअप की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ शाहरुख का सेटअप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और मैं इंडिया से हूँ, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने सेटअप की, ये मेरा छोटा सा सेटअप है इंडिया में और मैं बिलाल भाई के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बिलाल भाई जो हैं वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देते हैं बर्ड्स के बारे में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनसे और बहुत ही हेल्प करते हैं वो सबकी, कि बर्ड्स की कैसे केयर करनी है, किस तरीके से रखना है। तो आज मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपना सेटअप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप फ्रंट देख रहे हैं मेरे सेटअप का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रंट है ये करीब 25 फीट है इसकी लेंथ, और जो आप इसकी डेप्थ देख रहे हैं, डेप्थ यहाँ से 15 फीट है करीब, और पीछे से आप इसकी हाइट देखेंगे तो 9 फीट है, आगे से हाइट इसकी करीब 8 फीट है। तो इसमें दोस्तों ये मेरा मास्टर केज है और इसके अंदर मैंने कॉलोनी बना रखी है, जिसे मैंने लवबर्ड्स और बजीज रखी हैं, और एक पेयर मेरा येलो रिंग नेक का है। चलिए दोस्तों, आपको अंदर चल के दिखाते हैं मेरा सेटअप। ये दोस्तों कॉलोनी है, इसमें मैंने अपनी बजीज रखी हुई हैं। मैंने इसमें मटकियाँ लगा दी हैं और माशाल्लाह से काफ़ी ने जो है अंडे दे दिए हैं। मैं अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरी इसमें सारी ही स्पेंगल के पीसेस पड़े हुए हैं, अभी मैं कुछ मटकियों में आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप इसका कलर देख सकते हैं। और ये भी दोस्तों अंडे बैठी हुई है, ज़्यादातर फीमेल्स ने दोस्तों अंडे दे दिए हैं। इसमें माशाल्लाह से एक बच्चा भी निकल आया है। और इसमें भी अंडे रखे हुए हैं। इसमें भी दोस्तों अंडे हैं। इसमें भी माशाल्लाह से एक अंडा रख दिया है। चलते हैं अगली मटकी की तरफ। तो इसमें भी ग्रीन स्पेंगल की फीमेल है और लगता है इसमें बच्चा निकल आया है। हाँ, वो दोस्तों बच्चा इसमें निकल आया है। और इसमें भी दोस्तों अंडे हैं, ये भी है, अंडों पे बैठी हुई है। और ये भी दोस्तों अंडे पे बैठी हुई है। दोस्तों मेरे जितनी भी पेयर्स पड़े हुए हैं इसमें, ज़्यादातर इसने एग्स दे दिए हैं, बस एक दो फीमेल बची हुई हैं। तो बहुत ही जल्दी इन लोगों ने अंडे रख दिए हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही मटकियाँ लगाई थी और ये भी दोस्तों अंडे पे बैठी हुई है। दोस्तों बिलाल भाई जैसे कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालता हूँ, तो मुझे भी देख के काफ़ी उनसे कुछ सीखने को मिला और मैंने भी इसका शौक़ काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी करते हुए। बट ये कॉलोनी जो आप देख रहे हैं ये सब मैंने अभी तैयार किए हैं इसी सीज़न में, इससे पहले मेरा छोटा सा सेटअप था। और ये सब आप बजीज देख रहे हैं, ये सब मेरी बजीज हैं। चलते हैं दोस्तों अगली कॉलोनी की तरफ, जो मेरी ओपलाइंस वाले लवबर्ड्स की कॉलोनी है। तो इसकी भी आपको प्रोग्रेस दिखा देते हैं कैसी चल रही है। कॉलोनी के अंदर चलते हैं। दोस्तों
दोस्तों चलते हैं मटकी की तरफ। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 अंडे रख दिए हैं। इसमें एक्वा ओपालाइन की फ़ीमेल है, वो आपको दिख रही होगी। और उसके बाद इस मटकी में भी दोस्तों इसने अंडे दे दिए हैं। इसमें दोस्तों मेरे करीब 8 पेयर पड़े हुए हैं और इसने भी दोस्तों अंडे दे दिए हैं। देखते हैं इस मटकी में, तो इसमें अभी अंडा नहीं दिया है। और इसमें इसमें भी माशाल्लाह से 4 अंडे पड़े हुए हैं। और इस मटकी में देखते हैं, इसने भी अभी अंडा नहीं दिया है। दोस्तों मेरी ये लव बर्ड्स की कॉलोनीज़ हैं, मैंने 4 कॉलोनीज़ में लव बर्ड रखे हुए हैं। और इसने भी दोस्तों अंडे रखे हुए हैं। सबसे पहला अंडा दोस्तों इसी ने दिया था सेटअप में, अभी ये हट नहीं रही है। तो ये दोस्तों प्रोग्रेस ही, और मैं बाकी आपको लव बर्ड्स दिखाता हूँ। मेरे ये कॉलोनी है, इसमें मैंने कोबाल्ट और मोव मास के पीसेस डाल रखे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे। ये एक कॉलोनी है, अभी मटकी लगाए हुए दोस्तों करीब मुझे 20 दिन के आसपास हुआ होगा। तो जैसे ही मैं इसकी प्रोग्रेस आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और एक ये है, इसमें दोस्तों मेरे पीच फेस के लवबर्ड पड़े हुए हैं, इसमें भी करीब 6 पेयर डले हुए, तो आपको दिख रहा होगा। ये सारे ही मेरे लवबर्ड्स हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा। तो ये दोस्तों मेरा सेटअप था, ये गैलरी मैंने दे रखी है आगे। और ये सारे ही केज हैं कॉलोनी। मैं कॉलोनी का आपको साइज़ बताता हूँ। एक मेरी कॉलोनी जो है वो 6.5 बाई 6.5, और हाइट उसकी करीब 7 फीट है एक कॉलोनी की। ये आप सब देख सकते हैं, सारे ही एडल्ट पीसेज हैं ये। तो दोस्तों ये थी मेरी कॉलोनी और ये मेरा दोस्तों सेटअप था। उम्मीद है आपको सेटअप पसंद आया होगा। अगर आपको सेटअप पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों बिलाल भाई, उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।